अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अब्बास। तो समय पे यूट्यूब चैनल दुनिया रंग बरंगी, साढ़े चैनल सब्सक्राइब करो फिर करने शुरू वीडियो। गाइस आई तुम कर बला का जरा ना, यानी कि वो जी वीडियो यानी कि उन्होंने शहीद हो शायद दौर की गल है भाई। कर बला कदों होया हा, किमें होया हा, की हिसाब किताब हा भी आ, कि शहीद किया गया भी आ, ठीक हो गया वो मैं आज के तुम पूरी डिटेल दसा, यानी कि सारी बिच वीडियो तुम विखेसा कि किस तरह करबला के नाल ज्यादती हुई आई, शहीद किमें किए गए हैं पे, ठीक हो गया। तो लेकिन मैं इन्ना नहीं पता, क्योंकि साढ़े बड़गन पता है, बुजुर्गों पता हो सी भी किस तरह काम होया गया भी, क्योंकि महीना जड़ा है ना बड़ा दुख वाला है भी, नेक महीना है भी, इस वजह तुम दस रहे हैं भाई भाई साढ़े नाल साढ़े पहले दौर के हिसाब न की मामला चला की मामला नहीं चला भी आ, तो साढ़े बड़गन पता है भी आ, ठीक हो गया। वो मैं डिटेल तुम दस रही हाँ कि विवरण पता है कि ना नहीं है, लेकिन मैंने भी इन्ना कोई नहीं पता है भी आ, तो जितना मैंने पता है भी आ उतना तुम्हें मैं दस देना भी आ, करबला हिसाब किताब नाल की हालात हो उन्होंने बेटे की यानी कि शहीद किया गया है भी आ, इस वजह मैं तुम्हें दस रही हाँ भी आ, साड़ी वीडियो के नाल जुड़े रहा है, जोड़ा साढ़े चैनल से नवा आया सबसक्राइब कर लवे, तो बिल को प्रेस कर देवे अगर शेयर कर दे, ठीक हो गया। वो मैं जी वीडियो है भाई वो भी तुम बेचाले चला देना चैक कर, ठीक हो गया। तो मैं स्क्रीन शॉट जो चैक करके करबला के नाल कोई ज्यादती किस तरह ने हुई आई किस तरह नहीं हुई आई, ठीक है। आओ चलने हम वीडियो शुरू करने हैं, उस तो बाद क्योंकि अज अठवीं है भाई फिर बनानी होगी दसवीं वाले दिन में, यानी कि तबूत होंगे यानी कि आवाम जो कबर पानी जाके पा रहे हैं पाए, यानी कि जिन्होंने फौत हुए हो जिन्होंने नहीं फौत हुए हो, अगर जेडे पर पाकिस्तान के जड़े ए भी है कोई भी है हर किसी का फौत होया हुआ उन्होंने कबर लिंब से उन्होंने तो पानी पास हैं मोमबत्तियाँ डाल वगैरह हो गए, खजिया के पत्ते फुल हो गए, पानी हो गया यानी कि खाना पीना जोड़ा हो वंड सन शायश भी वंडते होंगे सन, ठीक हो गया। असी भी यानी कि साढ़े भी दादी दादा नानी नाना सारे यानी कि साढ़े भी फौत हो, असी भी गए हैं कबरा लिंब आए हैं, ठीक है। पानी पुनी पा आए हम दसवीं वाले दिन जावे, क्योंकि दसवीं वाले दिन हर किसी आती है छुट्टी, तो क्योंकि जामना लाजमी बनता हों, क्योंकि साल बाद एक महीना आता है भी आ, ठीक है। वो बड़ा दुख ना लगता है भी आ, इस वजह तुम दस देता है, ठीक है। क्योंकि हम मैं तुम वीडियो बच्चे ला देना, वीडियो वेखो तो ओके जा गाई। तुम एक होर गल सुनाई जाव, क्योंकि मेरा मोबाइल गया टुट बहुत नुकसान हो गया, स्क्रीन देख लिया, ठीक है। तो इस वजह हम मोबाइल ही असं लैन लगे हैं भाई, पर दुआ कर चार पाँच दिन तक, क्योंकि उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया, इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की ना उतरी, वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए, सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई, तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। कर हमला किया, शुजात और बहादुरी की तारीख रकम कर दी, लेकिन एक एक करके सभी 72 जानेसार शहीद हो गए। आखिर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को भी दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उनमें से कोई हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को कत्ल करने का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। बिलाखिर शिमर जिलजोशन के उकसाने पर ज़रा बिन शरीक तमीमी ने यह बदबख्ती मोल ली और हज़रत हुसैन के हाथ और गर्दन पर तलवार से हमला किया।
सनान बिन अंस ने तीर चलाया जिसके बाद हजरत हुसैन गिर गए। उनके गिरने पर शिमर जिलजोशन आगे बढ़ा। उस मलून ने हजरत हुसैन का सर पीछे की तरफ से पसे गर्दन से काट कर जिस्म से जुदा कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर हजरत हुसैन का सर अलग करके जिस्म को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया। उसके बाद तमाम शोदाए अहले बैत के सर को नेज़े की नोक पर रखकर पहले इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। उसके बाद दमिश्क में यजीद के दरबार पहुँचाया गया। अहले बैत की सभी ख़वातीन को भी यजीद के दरबार में पहुँचाया गया। यजीद ने अपने दरबार में हजरत हुसैन का सर देखकर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैंने इसका हुक्म नहीं दिया था, कत्ल करने में जल्दी की, मैं होता तो माफ़ कर देता। कुछ दूसरे मौरखीन ने लिखा है कि यजीद ने खुशी का इजहार किया। करबला के मैदान में जितने मर्द थे सभी शहीद हो गए, सिर्फ हजरत ज़ैनुल आबदीन जिंदा बचे, जिसकी वजह यह थी कि वो बीमार होने की वजह से जंग में शरीक नहीं हो सके थे, और अली बिन हुसैन जिन्हें उमर बिन साद ने बचाया था। दमिश्क में यजीद ने हजरत हुसैन और हाशमी खानदान की खवातीन के साथ हुस्न सलूक किया। करबला में उन चचा अब्बास थोड़ा सा पानी लेके आए ताकि मैं असगर को पिलाऊं, शायद मेरा असगर चंद दिन और जिंदा रह जाए। बस ये कहना था, जनाबे अब्बास की आंखें नम हो गईं। नन्ही शहजादी को लेके इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने सुबह से अब तक मुझे जंग की इजाजत तो ना दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास मुझसे अब नहीं देखी जाती। या तो दुआ करें मैं मर जाऊं, या तो मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से इनके लिए पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास अगर इजाजत लेनी है, कहा, ऐ अल्लाह, आज इन जालिमों ने इस्लाम का परचम गिरा दिया है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी कौम बना जो गाजी का परचम बुलंद